अगर आप रियल गेमर हो तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक गेमिंग फोन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन जरूरी है। तो एक गेमिंग फोन में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है उसका प्रोसेसर और प्रोसेसर का ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको एक गेमिंग फोन में प्रोसेसर चाहिए होगा 778G, स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर। आप लोग अगर ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग नहीं करते हो तो फिर आपके लिए 778G ही काफ़ी होगा, लेकिन आप अगर बहुत अपर लेवल का गेमिंग करते हो तो फिर आपके लिए ज़रूरी होगा आपके लिए ज़रूरी होगा 8+Gen 1 या फिर 8+Gen 2। ये प्रोसेसर बहुत हेवी टास्क को भी आसानी से झेल लेता है। और अगर आप स्नैपड्रैगन के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर आपको मीडियाटेक का 1000 लेना पड़ेगा। अगर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहते हो तो फिर स्नैपड्रैगन 778G, और अगर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर लेना है तो फिर मीडियाटेक 1000। मीडियाटेक के 1000 के नीचे आप अगर लोगे तो फिर आपको मतलब ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग नहीं करने को मिलेगा। लेकिन गाइस, मैं प्रेफर करूँगा आपको आप स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर लो, क्योंकि स्नैपड्रैगन गेमिंग के साथ साथ ऑल ओवर वर्क अच्छा है उसका। एक फ़ोन है रेडमी नोट 10S, उसमें मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर दिया गया है। मतलब उसमें आप गेमिंग कर सकते हो पबजी या फिर BGMI 60 FPS में। थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो सकता है 50-55, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस फोन में एक दिक्कत था, मीडियाटेक के प्रोसेसर पे भी एक दिक्कत है, वो हीट ज़्यादा करता है जैसे कि स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1। और गाइस, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, उससे ही मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 120Hz ही मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो, नहीं तो 90Hz का भी चलेगा। और गेमिंग फोन में कैमरा के बारे में उतना कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं कैमरा के बारे में नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। और गाइस, एट द एंड आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, मेरा भी थोड़ा सा हेल्प कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बाय। और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को।